यह मसला क्या वाकई में इतना गंभीर है कि सरकार के आदेश के बावजूद डीएम अपनी रिपोर्ट कोर्ट में नहीं देते? निश्चित रूप से बहुत गंभीर मामला है। आपको याद होगा कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरे सिंह रावत के बीच में जो टसल है वो आज की नहीं है, मतलब बहुत पुरानी है। जब पढ़ते थे तब से इनकी है, आपस में बनती नहीं है। तो बहरहाल जब ये बीजेपी में चले गए त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री बन गए, त्रिवेंद्र सिंह और हरक सिंह बीजेपी में गए, तो उनको तो वहां भी उनके टसल बीच में चलती रही। वह ये है कि अगर इन दोनों के बीच में टसल नहीं होती, अगर रिश्ते सामान्य होता तो कई और घोटालों की तरह ये भी दब जाता है ना। उसमें उन्होंने क्या कहा था भाई, यहाँ घोटाला हुआ, सबसे पहले कर्म कार्ड बोर्ड को भंग किया गया और भरत सिंह रावत इसके चेयरमैन होते थे, क्योंकि मिनिस्टर थे तो परंपरा ये थी कि इनका बोर्ड का चेयरमैन ही मिनिस्टर हो, कैबिनेट मिनिस्टर होगा। तो कैबिनेट मिनिस्टर को हटा के अपना त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मिस्टर सत्याल जो थे, सत्याल उनको उसका चेयरमैन बना दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो पाप उनका चल रहा वो एक दूसरे पर आरोप मतलब बेनकाब करते रहे, सत्याल इनको करते रहे, ये वो करते, उसके बाद ये मामला पूरा उठा। तो फिर उसमें ये करोड़ों का घोटाले का तो है ही है। उसके बाद इसमें ये भी है कि इन्होंने जो साइकिलें बांटी और सारी चीजें बांटी, ऐसे अपात्रों को बांटी, मतलब वो पहाड़ पे भी उस जगह ऐसी यंत्र बांटते जो आज चलते नहीं है। तो हुआ क्या, फिर हरक सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने कहा भाई ये लो, ये फला मिनिस्टर को लिस्ट दे दी उन्होंने कि देखो हमने इस मंत्री को भी दिया, इस विधायक को भी दिया, और कौन है जिसमें जिस बैठी गंगा में बीजेपी के नेताओं ने हाथ नहीं धोए। उसके बाद मामला थोड़ा रहा। अब सवाल, कुछ दिन पहले इससे पहले जो हियरिंग हुई थी तो सत्याल हाईकोर्ट में गए थे, उन्होंने ये आरोप लगा, क्योंकि सत्याल और हरक सिंह में बन नहीं रही थी, शुरू से नहीं है, और हरक सिंह ने जब अपना दिखाया, दमखम दिखाया, तो सत्याल को बाहर करा दिया है ना। तो इस वजह से वो भी उसमें चल रहा था। आज सवाल ये हो रहा है कि अगर आपको हरक सिंह को साथ रखना है, चुनाव का वक्त है, तो आपको उनको नहीं छेड़ना है, और उनको आप छेड़ेंगे तो वो समझ रहे हैं वो बिल्कुल ही सब फेंसेस जिसे कहते हैं कभी भी कूद सकते हैं, एक तो कूद जाएंगे। दूसरी बात, उनके पास पूरी लिस्ट है, वो कहते हैं उनका ऑफ द रिकॉर्ड बात ये है कि न जाने किस किस ने बैठी गंगा में हाथ धोया है अकेले। हाँ। मतलब ये हरक सिंह रावत का दबाव है, जिस वजह से चार डीएम खामोश बैठे हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है? यस निश्चित। आप आजकल आपने देख लिया होगा कि आप देखिए कैबिनेट मिनिस्टर आप वहां मोदी जी के पास किसको ले जा रहे हैं, हरक सिंह रावत को लेके जा रहे हैं। केदारनाथ में आपने देख लिया, हरक सिंह रावत का रुतवा देख लिया, जब अमित शाह आए तो उनका रुतवा और कोई बाहर कोई दूर दूर अमित शाह के साथ खाना खाना चाय पीना उधर जाए जहां भी जाए उनके, तो हरक सिंह रावत को इतनी इंपॉर्टेंस मिली हुई है जो आजकल मिली हुई है। जय सर, मुझे एक बात बताइए, कोर्ट ये कह रहा है, अब कोर्ट ने कहा कि भाई एक तारीख तक रिपोर्ट पेश करें डीएम सारे, और उसके बाद 7 तारीख तक सरकार ने क्या एक्शन लिया है वो कोर्ट को बताए। अब ऐसे मामले में आपको लगता है कि अब सरकार इस पूरे मामले पर फंस गई है? बिल्कुल फंस गई है। अब ये समझिए कि आचार संहिता लग जाएगी दिसंबर में, 15-16 के बाद है, 20 के बाद तो लगने की लगभग हो जाएगी। अब सरकार इस धर्म संकट में है, अगर जांच कराती है तो मुसीबत और न कराए तो मुसीबत, और अगर ये जांच कराते हैं हरक सिंह के खिलाफ कोई बात होती है हरक सिंह छोड़ जाएंगे, और हरक सिंह ये कहेंगे कि देखो जब मैंने छोड़ा तब तुमको मैं भ्रष्ट नजर आया। हाँ। और जब तक मैं तुम्हारे साथ था तुमने कहा मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की, तब तक क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे वो विक्टिम कार्ड जेब में रखते हैं, जैसे विक्टिम कार्ड जेब में रखते हैं कि हरीश रावत ने मेरे ऊपर ये तब किया जब मैंने उनको छोड़ दिया। अब इस बात की नहीं, मुझे एक थोड़ा सा डाउट है, जैसा मुझे वो डाउट क्लियर करिए, वो उत्तराखंड भी जानना चाहता है। और हरक सिंह रावत का इतिहास रहा है, जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं अगली बार लड़ते नहीं है उससे। अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक संकेत उसमें यह भी छिपा हुआ है कि भैया इस सीट से नहीं लड़ूंगा और अगली सीट से लड़ूंगा, ये वाले पे मन भर गया मेरा? हाँ, ये भी बात चल रही है कि वो कोटद्वार से लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोटद्वार से अभी उनका है वो शायद दुदोई वाला या कहीं और दूसरी जगह से लड़ना चाहते हैं, और खुद ही नहीं लड़ना चाहते हैं बल्कि 2-3 टिकट और चाहते हैं भैया।